Hello everyone. Welcome to Perspective. दृष्टिकोण में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक जाने माने लोकप्रिय अर्थशास्त्री स्वामीनाथन एस अंकलेश्वरिया भैया के विचारों पर संक्षेप में चर्चा करें। यह चर्चा स्वामीनाथन के 1 जुलाई 2020 के इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित लेख पर आधारित। स्वामीनाथन एस अंकलेश्वरिया अय्यर एक लोकप्रिय अर्थशास्त्री हैं और अखबारों में नियमित रूप से स्तंभ भी लिखते रहते हैं। स्वामीनाथन के विचार को स्वामीनॉमिक्स के नाम से समाचार पत्रों में जाना पहचाना जाता है। वर्तमान में स्वामीनाथन एस अंकलेश्वरिया अय्यर इकोनॉमिक टाइम्स समाचार पत्र के सलाहकार संपादक हैं, कंसल्टिंग एडिटर। 1 जुलाई 2020 के इकोनॉमिक टाइम्स के अंक में स्वामीनाथन के जो विचार प्रकाशित हुए हैं उसका मूल विचार यह है कि भारत ने जो चीनी स्मार्टफोन ऐप्स पर जो प्रतिबंध लगाया है उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। संक्षेप में उनका मानना है ये प्रतिबंध, भारत ने जो प्रतिबंध लगाया है, ये सही संकेत देता है, लेकिन साथ ही साथ एक लंबी और व्यापक रणनीति की जरूरत है। तो आइए स्वामीनाथन के स्वामीनॉमिक्स के नाम से छपे इकोनॉमिक टाइम्स के 1 जुलाई 2020 के लेख पर संक्षेप में चर्चा शुरू करें। उनका कहना है कि जबकि इस बात पर मतभेद है कि चीन ने लद्दाख में घुसपैठ क्यों की, भारत को चीनी आक्रमण के विरुद्ध मजबूती से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भारत की तरफ से अगर कोई कमजोरी दिखाई जाती है तो यह भविष्य में और चीनी घुसपैठों की घटनाओं को और चीनी आक्रामकता को, दबाव को आमंत्रित करेगी। चीनी आक्रमण का सामना करने, प्रतिकार करने, उसका जवाब देने के अनेक तरीके हैं, अनेक गलत तरीके हैं, अनेक सही तरीके। चीनी आक्रमण का जवाब, सही जवाब क्या हो सकता है और गलत क्या जवाब क्या हो सकता है, इस दोनों की चर्चा स्वामीनाथन ने इस लेख में की। उनका मानना है, स्वामीनाथन का मानना है कि सैन्य संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगा, इसलिए भारत को सैन्य संघर्ष के जगह पर उसके बदले में कूटनीतिक मोर्चे पर, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कार्रवाई करने की आवश्यकता। इसके लिए भारत को सही आर्थिक प्रतिबंधों का चयन करना चाहिए, सही आर्थिक प्रबंध, गलत आर्थिक प्रबंध नहीं। ऐसे आर्थिक प्रबंध का चुनाव करना चाहिए, चयन करना चाहिए, पहचान करना चाहिए, उठाना चाहिए, लगाना चाहिए, जो भारत को नुकसान पहुंचाए बिना चीन को नुकसान पहुंचाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, कई गलत प्रतिबंधों पर विचार करने के बाद भारत ने सही आर्थिक प्रतिबंध लगाने के कार्रवाई की शुरुआत की। भारत ने स्मार्टफोन पर 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें बाइट डांस के, टिकटॉक, टेंसेंट के, वीचैट, सामुदायिक और वीडियो कॉल जो साओमी के हैं, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज जो अलीबाबा के स्वामित्व वाले हैं, और क्लब फैक्ट्री भी जिसमें शामिल है, जिसका दावा है कि वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। इन एप्स के मई 2020 में लगभग 500 मिलियन से अधिक भारतीय उपयोगकर्ता थे।
भारत ने आर्थिक प्रतिबंध को गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों पर उचित ठहराया, इसके पक्ष में दलील दी। भारत ने यह भी कहा कि उठाए गए कठोर आर्थिक प्रबंध किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या नियमों का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन यह स्पष्ट रूप से भारत को एक मजबूत संकेत देता है, बताता है कि भारत गैर सैनिक तौर तरीकों से वापस चीन पर हमला कर सकता है, चीन को नुकसान पहुंचा सकता है, चीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, चीन के खिलाफ कठोर कदम उठा सकता है। भारत के इस आर्थिक प्रबंध लगाने की कार्रवाई के बदले में चीन भी जवाबी कार्रवाई में भारतीय ई कॉमर्स कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ये भारतीय ई कॉमर्स कंपनियां चीन में इतनी छोटी हैं कि शायद ही भारत पर कोई इसका प्रभाव पड़े या नुकसान। भारत को ठंडे दिमाग के साथ प्रतिबंधों का चयन करने की आवश्यकता है, ना कि गुस्से में, क्रोध में या उग्रता। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध एक शांत, सोचे समझी और प्रभावी प्रतिबंध की कार्रवाई है, ऐसा लेखक का मानना है, स्वामीनाथन साहब का मानना। इसके पहले टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर जोर शोर से, क्रोध में, रोष में, उग्रता में चीन से सभी सामानों को, आयातों को रोकने की मांगों पर जोर दिया गया, इससे भारत को ही नुकसान हुआ हो, ऐसा लेखक का मानना। यह भारत को दुनिया के कुछ सबसे सस्ते, सबसे कुशल मशीनरी, कल पुर्जे, मध्यवर्ती सामान, कंपोनेंट्स और घटकों से वंचित कर देगा, जिसकी जरूरत भारत को है। इसके अलावा भारत वैश्विक व्यापार में, ग्लोबल वैल्यू चेन में विस्तार करना चाहता है, जिसका चीन बहुत बड़ा खिलाड़ी है। चीन ग्लोबल वैल्यू चेन का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। यदि भारत सभी चीनी आयात पर प्रतिबंध लगाता है तो भारत इन ग्लोबल वैल्यू चेन से खुद को काट देगा, और यह मोदी के घोषित उद्देश्यों के विपरीत विनाशकारी होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के। कुल मिलाकर सभी या अधिकांश चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगाने से भारत ग्लोबल वैल्यू चेन से कटने वाला एक महंगा उत्पादक बन जाएगा। इसके उत्पाद महंगे हो जाएंगे, निर्यात महंगे हो जाएंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगी, इसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, घट जाएगी, और हम विश्व व्यापार में मुकाबला करने में हमें परेशानी होगी। तो सभी चीनी सामानों पर आयात लगाने से भारत आर्थिक रूप से कमजोर होगा, इसे चीन का ही फायदा होगा। भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थात कॉम्पिटिटिव और तेजी से बढ़ने के लिए अथक लागत कटौती की आवश्यकता है, कॉस्ट कटिंग की आवश्यकता है। अंततः एकमात्र सच्ची सुरक्षा एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था ही है। एक शक्तिशाली सेना को जो साजो सामान, हथियार, निवेश, आधुनिकीकरण के लिए जो पैसा चाहिए, धन चाहिए, वह एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था ही दे सकती है। भारत के 1.3 बिलियन लोग भारतीय बाजार को चीनी इंटरनेट और ई कॉमर्स कंपनियों के लिए सबसे बड़ा संभावित उपभोक्ता विदेशी बाजार बनाते हैं। चीन का भविष्य सस्ते सामानों में नहीं बल्कि सेवाओं पर निर्भर है। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से चीन की पहुंच को ठुकराना, अस्वीकार करना, भारतीय बाजार में आने से रोकना भारत की अपने भविष्य की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का एक चतुर तरीका है। प्रतिशोध का या गैर सैन्य तरीका पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप है। यह भारतीय उत्पादन लागत को नहीं बढ़ाएगा तथा भारत की कॉम्पिटिटिवनेस अर्थात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को कम भी नहीं करेगा। पहले सभी चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्तावों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन किया होगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संधि नियमों को बरकरार रखने के लिए, उसका आदर करने के लिए, पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यदि नियमों को भारत नियमों के साथ खिलवाड़ करता है, WTO के नियमों के साथ खिलवाड़ करता है, यह
भारत के लिए भी मनमाने व्यापार खतरों के लिए एक तरह से दरवाजा खोल देने की स्थिति होगी। भारत को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। विश्व व्यापार संगठन के नियम के अनुसार हर सदस्य देशों को आयात किसी भी सदस्य देशों को आयात शुल्क में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारत को इस नियम का पालन करने की आवश्यकता है, WTO के नियमों की आदर करने की आवश्यकता भारत को करना चाहिए। भारत सरकार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी चीनी बिजली उपकरणों और अन्य उपकरणों की जांच करना चाहती है। निश्चित रूप से भारतीय उद्योगपतियों ने मशीनरी खरीदने के पहले गुणवत्ता की जांच जरूर की होगी। गुणवत्ता की जांच का उपयोग नॉन टैरिफ बैरियर बाधा के रूप में किया जा सकता है। अनेक देश इसका करते हैं, लेकिन उत्पादन की भारतीय लागतों पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए अधिक ज्यादा सोच विचार करके फैसला करने की जरूरत है। बिजली उपकरणों पर नए शुल्क प्रस्तावित किए जा रहे हैं। सौर पैनल पर 40% तक शुल्क प्रस्तावित है, जिसमें से 80% लगभग चीन से आयात किए जाते हैं। यह भारतीय पैनल उत्पादकों को घरेलू क्षमता का निर्माण करने में मदद जरूर करेगा, लेकिन भारतीय सौर पैनल को महंगा बना देगा। समय की जरूरत है कि भारत इनपुट लागतों को एक गतिशील निर्यातक, डायनेमिक एक्सपोर्टर, कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्टर बनाने के लिए कठोरता से कम किया जाए, कठोरता से लागत मूल्य कम किया जाए, इनपुट कॉस्ट कम किया जाए। यह समय की जरूरत है। भारतीय तौर तरीकों ने, नियम कानून ने चीन से कई अनलोड किए गए कंटेनरों को रोक दिया क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय आयातक इन सामानों के लिए पहले ही भुगतान कर चुके हैं, इसलिए इन नियमों को लागू करने से केवल भारतीय आयातकों को ही नुकसान होता है, ना कि चीनी निर्यातकों को। तो इसलिए इस पर भी विचार करने की जरूरत है, सोच समझ करके। देश में स्वदेशी जागरण मंच और अन्य समूह या लोगों ने, संगठनों ने चीनी उपभोक्ता सामानों का, वस्तुओं का बहिष्कार करने का आग्रह किया है, जो स्वागत योग्य है। यह उपभोक्ता कीमतों को बढ़ाए, जिसका बहिष्कार करने वाले खुश हो सकते हैं, लेकिन भारतीय निर्यातकों के लिए इनपुट लागत नहीं बढ़ाए। मुख्य रूप से चीन से आयातित साधारण उपभोक्ता वस्तुओं पर पिछले 3 बजटों में उच्च आयात शुल्क लगाए गए हैं, जिसमें मुख्य मोमबत्तियां, पतंग, घड़ियां, प्लास्टिक के खिलौने और ऐसे ही छुटपुट सामान। ये फिर से उपभोक्ताओं के लिए कीमत को बढ़ाते हैं, लेकिन निर्यात प्रतिस्पर्धा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को प्रभावित नहीं करते हैं, चोट नहीं पहुंचाते। इसलिए यदि व्यापार प्रतिबंधों का उपयोग किया जाना है तो उन्हें पूंजी और मध्यवर्ती वस्तुओं को छोड़कर, कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स को छोड़कर, इंटरनेट सेवाओं और उपभोक्ता वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये था स्वामीनाथन एस अंकलेश्वरिया अय्यर के विचार, जो 1 जुलाई 2020 के इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित हुए, उसी पर आधारित ये संक्षिप्त चर्चा। एक बार फिर हम लोग किसी नए लेखक के नजरिए के साथ आपके सामने आएंगे और संक्षिप्त में चर्चा करेंगे।